हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप से बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं लंब्रेटर स्कूटर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, लंब्रेटर स्कूटर जिसने अपने टाइम में खूब अच्छी धूम मचाई थी, दोबारा धूम मचाने इंडिया वापस आ रहे हैं। तो बस बने रहो इस वीडियो के अंदर, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो कब आ रहे हैं और क्या लॉन्च करने वाले हैं। लंब्रेटर ग्रुप के जो ओनर है मिस्टर वॉल्टर, उन्होंने पार्टनरशिप की है बर्ड ऑटोमोटिव के साथ। जी हाँ दोस्तों, बर्ड ऑटोमोटिव जो है बहुत बड़ा ग्रुप है, ये काफ़ी होटल एंड रिसॉर्ट भी रन करते हैं। और बकायदा आपने देखा होगा BMW की काफ़ी सारी जो डीलरशिप है वो इन्हीं के नाम से है। तो ये बहुत बड़ा ग्रुप है। तो इसके साथ मिलकर मिस्टर वॉल्टर का कहना है कि वो $200 मिलियन जो है वो इंडियन मार्केट में स्पेंड करेंगे आने वाले 5 सालों में इसी प्रोजेक्ट के ऊपर। मिस्टर वॉल्टर का कहना है कि वो इंडिया में जो है कम बैक करेंगे 2023 के अंदर। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने बोला 2023 के अंदर वो अपने 3 मॉडल्स जो हैं वो इंडियन मार्केट में लॉन्च करेंगे। GV and X, ये जो मॉडल्स होंगे इनकी जो इंजन कैपेसिटी होगी वो 200 से लेकर 350 सीसी की होने वाली है। और ये काफ़ी हाईटेक इंजन होने वाले हैं और काफ़ी हाईटेक टेक्नोलॉजी होने वाली है। यहाँ तक कि ये इन्होंने ये भी बोला है कि जैसे गाड़ियों में टॉप होती है ना फरारी, उस तरीके की आपको टेक्नोलॉजी जो है आपको इन स्कूटर से मिलने वाली है। वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा कैसी टेक्नोलॉजी होगी। फिलहाल उन्होंने यही बताया था, प्लस उन्होंने ये भी बोला कि 2024 के अंदर वो अपना पहला EV भी लॉन्च करेंगे इंडियन मार्केट के अंदर। तो यार यहाँ पे EV की लाइन तो लगती जा रही है, मतलब हर कोई फोकस कर रहा है EVs के ऊपर। क्यों कर रहा है? मैंने आपको पहले बताया था कि आने वाला टाइम EVs का ही है। अब इसका जो प्लांट वो सेटअप करने वाले हैं वो करने वाले हैं मानेसर के अंदर, और उनका कहना है कि ये बहुत बड़ा प्लांट होगा। क्यों होगा बड़ा? क्योंकि वो कह रहे हैं कि इन फ्यूचर जितनी भी प्रोडक्शन यहाँ पे होंगी ज़्यादातर उनको एक्सपोर्ट भी यहीं से किया जाएगा। प्राइस रेंज की अगर बात की जाए तो यहाँ पे अभी फिलहाल कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया गया है, बट उनका कहना है कि जैसे लंब्रेटर ने पहले लोगों के दिलों को मोह लिया था ना, सेम वो उसी तरीके से दोबारा कैप्चर करने के लिए दोबारा रोल बैक कर रहे हैं इंडिया के अंदर। बस वेट करो कब ये इंडियन मार्केट में आते हैं, कब हम इसको चला के देख पाएंगे, इसकी परफॉर्मेंस को देख पाएंगे। क्योंकि जावा ने भी यही दावा किया था, जब जावा इंडियन मार्केट में दोबारा रोल बैक हुआ था, कम बैक हुआ था, तो उन्होंने भी काफ़ी कुछ कहा था कि ये दोबारा से इंडियन मार्केट के अंदर अपनी पकड़ बनाएंगे। हालांकि टाइम लग रहा है उनको, बट वो ग्रेजुअली धीरे धीरे काम कर रहे हैं इसके ऊपर और काफ़ी चीज़ें उन्होंने सक्सेस कर भी ली हैं। तो बस फिर हम भी वेट करते हैं कब ये इंडियन मार्केट में आता है और कब हम इसको देख पाएंगे। लास्ट में बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो भाई इसको लाइक किया करो, शेयर किया करो अपने फ्रेंड के साथ, अपने नोन के साथ, ताकि उनको भी पता चले कि भाई लंब्रेटर दोबारा आ रहा है, ठीक है। और अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नए अपडेट के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।